Hello everyone, I'm your friend, your host Badal Bhandari, and I welcome you in your favorite YouTube channel, that is Dogs, Your Friends Forever. Dear friends, thank you so much for your love, for your support, जो प्यार आप दे रहे हैं, जो हमारा channel grow कर रहा है, उस सब चीज़ के लिए जो कुछ भी आप टाइम देते हैं हमें देखने के लिए, हमेशा मेरा मन करता है आपके सामने आऊँ, कुछ नई चीज़ लेके आऊँ। आज अगेन एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने, एक मिथ ब्रेक करने के लिए आया हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट। आज हम बात करेंगे क्या डॉग को दूध देना चाहिए या डॉग को दूध नहीं देना चाहिए। इस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है, बहुत बड़ी डिबेट रहती है। कोई डॉक्टर बोलता है देना चाहिए, कोई डॉक्टर बोलता है नहीं देना चाहिए। कईयों के घर वाले कहते हैं जी हाँ देना चाहिए, कई बोलते हैं नहीं देना चाहिए। हमारे पास भी लोग आते हैं समटाइम्स, अभी तो फिर भी थोड़ा बेहतर हो गया सिस्टम। पहले आते थे अभी से 10, 12, 15 साल पहले जब डॉग लेने के लिए, जब हम बोलते थे कि डॉग को दूध नहीं देना, तो बोलते थे यार कमाल की बात कर रहा है बादल, नई बात कर रहा है, हमने तो अपने कुत्ते पाले ही दूध पे हैं। बट ज़्यादातर जो गद्दी डॉग हैं या उस तरह के जो डॉग हैं, इंडियन ब्रीड्स हैं, वो शायद दूध को डाइजेस्ट करती होंगी, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट इवन। आज मैं बात करूंगा दूध डॉग को वाकई में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो किस फॉर्म में देना चाहिए। दूध पपीज़ को जब हम देते हैं तो उनको ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उनको लूज मोशन लग जाते हैं, क्योंकि उनको लैक्टोबैसिलस की इनटॉलरेंस होती है। जब हम लोग दूध पीते हैं, हमारे अंदर जाके दूध फट जाता है और वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, और वो हमारे को डाइजेस्ट होने में हेल्प होता है, हेल्प मिलती है। लेकिन डॉग्स के मामले में ऐसा नहीं होता, डॉग्स के मामले में वो एज इट इज़ ही रहता है और वो उनको डाइजेस्ट नहीं होता। मैक्सिमम टाइम लूज मोशन लगते हैं, समटाइम्स वॉमिटिंग भी शुरू हो जाती है, डायरिया बोलते हैं जिसे, लूज मोशन और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, दूध डाइजेस्ट नहीं होता। समटाइम्स कुछ डॉग्स ऐसे भी हैं जिनको डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सूट नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी डॉग्स के साथ में ऐसा है। इस चीज़ को वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये चीज़ को क्लियर करूँगा कि दूध हमारे डॉग्स को हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बहुत सारे डाउट्स हैं इस पे, बहुत सारे सवाल हैं, उन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। डॉग्स को डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं देते हैं, मैक्सिमम लोग यही कहते हैं, और इट इज़ अ फैक्ट डॉग समटाइम्स डाइजेस्ट नहीं करते। डेयरी प्रोडक्ट्स में तो दही भी आता है, बट डॉग दही को डाइजेस्ट कर जाते हैं, लेकिन उसमें भी ऑलमोस्ट 5% के करीब डॉग्स ऐसे होते हैं जिनको दही भी डाइजेस्ट नहीं होता। आप पनीर देने की कोशिश करते हैं डॉग को, बहुत सारे डॉग्स हैं जिनको पनीर डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन उसमें भी कई सारे डॉग्स ऐसे हैं जिनको पनीर भी डाइजेस्ट नहीं होता। लेकिन जब मदर ने बेबीज़ को दिया होता है, जब एक बिच ने बेबी दिए होते हैं, जब वो मदर बनी होती है, उसको 99.99% ब्रीडर्स जो हैं वो दूध देते हैं, मैं भी दूध देता हूँ, और वो डाइजेस्ट भी होता है। वो कैसे होता है, वो सब साई का है सिस्टम। मदर को दूध डाइजेस्ट होगा, मदर को लूज़ मोशन नहीं लगेंगे, बच्चों को उससे दूध, बच्चे माँ का दूध पियेंगे उससे भी उन्हें लूज़ मोशन नहीं लगेंगे। लेकिन उसी बिच को जब उसने बेबीज़ नहीं दिए हों, आप उसे कई बार दूध देंगे तो वो लूज़ मोशन करेगी, ऐसा होता है, प्रैक्टिकली मैंने देखा है। इस चीज़ को आप समझिए, अगर छोटा बच्चा है उसको हम, जैसे मान लीजिए कई बड़े डॉक्टर या हम लोग, कोई ब्रीडर या कोई पेट शॉप ऑनर बोल देता है कि जी हाँ आप दूध डाल के दे दीजिए सरलैक में, जो ये वीडियो देख रहे हैं जो अपने छोटे बच्चे घर में लेके आते हैं, छोटे पपीज़ लेके आते हैं, जब वो दूध डाल देते हैं पपीज़ को, तो मैक्सिमम 99% पपीज़ जो होते हैं वो लूज़ मोशन करते हैं, एंड इट इज़ अ फैक्ट, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। उनको बच्चों को वो डाइजेस्ट नहीं होता। आप, हम उन्हें बोलते हैं कर्ड दीजिए, कर्ड ज़्यादा बेहतर है। सेरेलैक अगर देना है, एक और चीज़ बताता हूँ, सेरेलैक देते हैं बहुत बड़ी, हम लोग किसी ब्रांड का सेरेलैक यूज़ करते हैं, से एग्जांपल हम नेस्ले का सेरेलैक यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट सेरेलैक, बट दैट सेरेलैक इज़ फॉर ह्यूमंस, इंसान के बच्चे के लिए। उसमें दूध भी है, उसमें शुगर भी है। लेकिन जब हम डॉग की बात करते हैं तो हम बोलते हैं दूध नहीं देना डॉग को, नुकसान करेगा, शुगर नहीं देनी, स्किन की प्रॉब्लम देगी। जब हम वही सेरेलैक बना के डॉग को देते हैं तो डॉग बहुत बारी होता है कि लूज मोशन करते हैं, बिकॉज उसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें मिल्क है, उसमें शुगर है, शुगर उसकी स्किन की प्रॉब्लम दे सकती है, जिससे इचिंग बढ़ेगी डॉग की। ये चीज़ नहीं करनी, आप सेरेलैक दीजिए। ऐसा नहीं है कि सेरेलैक नहीं देना चाहिए, ह्यूमंस का ह्यूमंस को देना चाहिए, डॉग्स के लिए जो आता है वो डॉग्स को देना चाहिए। डॉग्स के लिए बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के आते हैं सेरेलैक, आप कोई भी मार्केट में ले सकते हैं, आपकी मार्केट में जो अच्छा सेरेलैक अवेलेबल हो। लेकिन एक और पॉइंट क्लियर करता हूँ, अगर आपने सेरेलैक देना है तो एट दी मैक्स उसकी जो देने की जो वो टाइम है
45 डेज तक सर लेग देना चाहिए, उसके बाद में आप डॉग फूड वगैरह जो है साइमल्टेनियसली स्टार्ट कीजिए और उसको कंटिन्यू कीजिए। डॉग फूड देना बढ़िया रहता है, उससे ग्रोथ अच्छी आती है। डॉग फूड देना अपनी जगह है। अब मैं एक और बात क्लियर करता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर हम दूध नहीं देंगे तो डॉग को कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, डॉग को प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। जितना प्रोटीन एक लीटर दूध में है, जितना कैल्शियम एक लीटर दूध में है, उतना एक बॉयल्ड एग वाइट में है। अगर आपका डॉग, आपने अपने डॉग को एक एग वाइट दे दिया बच्चे को, तो दैट इज़ मोर देन इनफ, दैट इज़ सफिशियंट फॉर हिज कैल्शियम एंड प्रोटीन। बहुत बढ़िया है, वो ओके है। आप उसकी फीड में आप क्रश करके उसे डाल सकते हैं। छोटे बच्चे को शुरू में सिर्फ एग वाइट देना है और बाद में आप उसे एग येलो पार्ट भी दे सकते हैं आफ्टर 3 months ऑफ एज। अगेन एक और पॉइंट क्लियर करता हूँ, बहुत बारी ऐसा होता है जब डॉग खाना छोड़ देता है, स्पेशली गर्मियों में डॉग खाना छोड़ देता है। दूध का एक फ़ायदा बताता हूँ, बहुत अच्छा फ़ायदा, जो तरीके से यूज़ किया जाए तो बहुत अच्छा। एक सबसे कमाल की बात यह है कि जो हमारे डॉग्स हैं वो दूध पीना पसंद बहुत करते हैं। अगर वो कुछ भी नहीं खा रहे होंगे, उनको आप दूध दोगे तो वो दूध पीना ज़रूर पसंद करेंगे। और कई बारी हम लोग ये गलती करते हैं कि डॉग का पेट ख़राब होता है और हम उसको दूध दे देते हैं कि चल कुछ नहीं खा रहा दूध दे दे। जो दूध है वो घी डालने का काम करता है आग के बीच में, जब आग जल रही है उसमें घी डालेंगे तो आग बढ़ेगी ना कि घटेगी। जब हम लूज़ मोशन में या वॉमिटिंग में दूध देंगे डॉग को तो वो डेफिनेटली प्रॉब्लम देगा। बहुत बड़ी ऐसी गलती करते हैं वो लोग जिनके डॉग को पार्वो हुआ होता है, वो दूध दे देते हैं डॉग को कि यार लिक्विड तो दे ही सकते हैं, और ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट चीज़ होती है, ये सबसे ज़्यादा तबीयत और ख़राब करने में हेल्प करता है उसे। दूध का जो एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है वो मैं आपको बताता हूँ। दूध देने का फ़ायदा भी हो सकता है लेकिन अगर हम उसे तरीके से चलेंगे। गर्मियों की अगर हम बात करें तो अक्सर डॉग्स जो हैं वो ऑफ फीड हो जाते हैं, खाना कम खाते हैं। बहुत बारी होता है कि डॉग यूरिन येलो कर रहा होता है, उस कंडीशन में आपको आधा कप, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ग्रोन अप डॉग है उसके लिए एक गिलास ठंडा दूध लीजिए, बिल्कुल चिल्ड मिल्क लीजिए, एक गिलास बिल्कुल चिल्ड वाटर लीजिए, उसमें कुछ आइस क्यूब्स भी बीच में ऐड कर दीजिए, वो उसको बाउल में डाल के मिक्स करके दीजिए पीने के लिए। आधा दूध और आधा पानी जो है इट विल बिकम लस्सी, कच्ची लस्सी बोलते हैं पंजाबी में हम लोग यहाँ पंजाब में, आई एम नॉट श्योर कि बाकी अदर स्टेट्स में क्या बोलते होंगे, कच्ची लस्सी बोलते हैं ये। जब डॉग इसे पानी को पिएगा, कच्ची लस्सी वाले को आधा दूध आधा पानी मिक्स करके दिया है, जब वो पिएगा तो इससे उसकी जो किडनीज हैं वो भी अच्छे से फ्लश होगी, उसका लिवर भी फ्लश होगा अच्छे से, मतलब जो अंदर उसके गर्मी पड़ी हुई है, जो वो यूरिन येलो कर रहा है, कुछ भी है, वो सब चीज़ सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगी। आप 2-3 दिन 5 दिन हफ्ता भर इसे कंटिन्यू करके देखेंगे, यूरिन का जो कलर है 1-2 दिन में ही चेंज हो जाएगा, वो बिल्कुल नॉर्मल वाटर कलर का यूरिन आना चाहिए डॉग को, वो उसी कलर का आना शुरू हो जाएगा। उसकी जो एपेटाइट है बिल्कुल फ्यूज़ हो रखा था, फ्यूज़ बल्ब की तरह थी, कुछ नहीं खाता था, वो थोड़ा थोड़ा खाना भी खाना शुरू कर देगा। उसको गर्मी से भी बचाएगा, बिकॉज डॉग्स को स्वेटिंग नहीं होती, इनका स्लाइवा गिरता है, ड्रूल करते हैं। लेकिन कई बार ये भी होता है कि डॉग ने खाना खाया लेकिन उसके बाद में पानी नहीं पिया या पानी कम पिया तो भी यूरिन येलो करना शुरू कर देते हैं। उस केस में भी अगर आपका बच्चा छोटा भी है, 2 महीने का भी डॉग है, आप उसके लिए 50-70 ml चिल्ड वाटर लीजिए, 50-70 ml चिल्ड मिल्क लीजिए, दोनों को मिक्स करके दीजिए, आप करके देखिए। अब मुझे थैंक यू बोलेंगे, बादल भाई आपने बताया था और ये इफेक्टिव है। ये चीज़ें करके देखी हैं, दूध हर जगह गलत नहीं होगा, दूध को अगर तरीके से करेंगे तो हम उसको यूज़ करेंगे तो उसका बेनिफिट भी हो सकता है, जो मैंने आपको बेनिफिट बताया, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। एक और एग्जांपल देता हूँ, जो मेरा डॉन है या जो मेरा हिटलर है, इनको भी पहले दूध डाइजेस्ट नहीं होता था, लैक्टोबैसिलस इंटॉलरेंस थी, लेकिन टाइम के साथ में इनके अंदर सिस्टम डेवलप हो जाता है। समटाइम्स कुछ डॉग्स में एंड तक नहीं होता, लेकिन मेरा जो डॉन है उसको अभी अगर मैं दूध देता हूँ, समटाइम्स उसका मन करता है दूध पीने को, जैसे या वो खाना कम खा रहा हो या कुछ भी मुझे मालूम है, अगर वो यूरिन समटाइम्स थोड़ा सा येलो कर रहा है तो समटाइम्स मैं उसको अकेला दूध देके देखता हूँ। पर मैंने एकदम से नहीं कि पूरा पतीला भर के उसको दे दिया या 1 लीटर दे दिया, 1/2 लीटर दे दिया, पहले मैंने उसे 1/2 कप दे के देखा था कि वो टॉलरेट करता है उसको या लूज़ मोशन करता है। उसने लूज़ मोशन नहीं किया, मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी क्वांटिटी बढ़ाई। अभी मैं अपने डॉन को तकरीबन 1/2 लीटर दूध एक टाइम में दे देता हूँ, वंस अ वाइल मैं दे देता हूँ, समटाइम्स हफ्ते में आप 4 या 5 बारी मान लीजिए, वो तब जब उसने जैसे मान लीजिए मॉर्निंग में खाना खाया और शाम को उसे देना, इन बिटवीन मैं उसे दूध दे देता हूँ, सो दैट उसको लिक्विड उसके अंदर जाए। उसमें हम पानी ऐड करना चाहें कर सकते हैं, समटाइम्स मैं भी कर देता हूँ, और उसमें आइस अगर ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं।
छोटे बच्चों को दूध देना जो है समटाइम्स ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, बिकॉज उसकी उनकी जो एनर्जी लेवल्स है वो उतने ही होते हैं। अगर वो लूज मोशन करेंगे या ऑफ फीड हो जाएंगे या डॉक्टर बोलेंगे हमें ऑफ फीड करने के लिए, तो उनके एनर्जी लेवल बहुत जल्दी डाउन जाएंगे। इसलिए हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना, रिस्क नहीं लेना। बच्चे की जो लाइफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हो सके मेडिसिन को अवॉइड करना चाहिए, बच्चे फिट रहें, टाइम टू टाइम अपने वेट के पास में जाइए, उन्हें कंसल्ट कीजिए, उनको डॉग्स को फिट रखिए। आई होप ये जो मैंने आज एक्सप्लेन किया है, सारा एक्सपीरियंस अपना मैंने इसमें बताया कि किस किस स्टेप पे हम दूध दे सकते हैं और कब नहीं दे सकते। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए, सो दैट लोगों को ये जो मिथ है कि दूध ज़रूरी देना है या दूध बिल्कुल नहीं देना, इसका मिथ टूट सके। नए वीडियो में दोबारा मिलेंगे आपके साथ में, नए टॉपिक पे कुछ नई चीज़ शेयर करने आऊँगा। थैंक यू सो मच, साइन दिया करेंगे आप पे, मुझ पे, हमारे पेट्स पे, सारी दुनिया पे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।